Hello, bachcho. Let's read the given question. It says, how has the analogy of Rivet-Popper hypothesis explained that rich biodiversity is essential for ecosystem health and imperative for the very survival of human race on this planet? इस आंसर के लिए जो की कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए दैट इज रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस किसने दिया था? इट वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड पॉल अर्लिच। पॉल अर्लिच, दिस हाइपोथेसिस वाज एन एनालॉजी जिसमें इकोसिस्टम को कंपेयर किया गया था एक एरोप्लेन से। इकोसिस्टम एज एन एरोप्लेन, और सभी स्पीशीज को कंपेयर किया गया था एरोप्लेन के रिवेट से, होता है बोल्ट्स। नाउ लेट अस सपोज, अगर इस एरोप्लेन में से पैसेंजर स्टार्ट रिमूविंग रिवेट, इफ पैसेंजर्स रिमूव ऑल द रिवेट्स, तो शुरुआत में इट विल नॉट इम्पैक्ट द एरोप्लेन दैट मच, लेस इम्पैक्ट इनिशियली। लेकिन अगर पैसेंजर्स कीप रिमूविंग रिवेट्स और बाद में दे रिमूव रिवेट्स फ्रॉम द क्रूशियल पार्ट्स, तब क्या होगा? इट विल हार्म द सेफ्टी ऑफ द एरोप्लेन सीरियसली। इट विल पोज अ सीरियस थ्रेट टू द एरोप्लेन। अब इसका मतलब क्या है इकोसिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में? अगर इनिशियली एक दो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी तो उससे इकोसिस्टम पे लेस इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन अगर जैसे क्रूशियल पार्ट से रिवेट्स हटाने पर एरोप्लेन डेंजर में हो जाएगा, उसी तरह अगर की स्टोन स्पीशीज को या की स्पीशीज को इकोसिस्टम से रिमूव कर दिया जाए तो पूरा इकोसिस्टम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय द इकोसिस्टम, दिस वॉज द रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस गिवन बाय पॉल अर्लिच। होप यू अंडरस्टूड द आंसर वेल। बेस्ट ऑफ लक।